Assalamualaikum, एस ऑल इन वन में आप सबका वेलकम करती हूँ। मैं हूँ तनिशाली। अभी अभी लेटेस्ट खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज, आधोनी टाउन रिलेटेड खबर है ये। आपको सुनकर ताज्जुब हो जाएगा कि आधोनी ग्रीन जोन से लेकर ऑरेंज जोन में आ गई है। अल्लाह से दुआ करिएगा कि ये रेड जोन ना बदले। अगर रेड जोन में बदल गई तो आधोनी वालों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह से दुआ कीजिएगा ये वबा जल्द से जल्द खत्म हो जाए। हुआ ये है कि दो केसेस आधोनी में पॉजिटिव निकले हैं फिर से। पहले निकला था कांस्टेबल का, अब निकले हैं हनुमान नगर से एक और एंकरनाबावी से एक। पूरे मिला के टोटल कंप्लीट 3 केसेस आधोनी के रिलेटेड हो गए हैं। हुआ ये है कि ये 2 केसेस कैसे आए हैं आप सबको क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो ये जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हुआ यह है कि जब ये लॉकडाउन खत्म हो गया था, मतलब कम्प्लीटली 7 to 7 रख दिया था गवर्नमेंट ने आधोनी टाउन में, तो इन दौरान बैंगलोर वाले जो रहने वाले हैं वो आ गए हैं आधोनी को। हुआ यह है कि ये जो कपल है, वाइफ चले गई हनुमान नगर और हस्बैंड चले गया एंकरनाबावी, दोनों भी कोरोना वायरस लेकर बेंगलुरु से आ गए हैं। ये देखिए कैसी आफत आ गई है आधोनी वालों के ऊपर। तो मालूम होने के बाद उनको भेजा गया क्वारंटाइन को और आधोनी कर दिया गया ऑरेंज जोन। ऑरेंज जोन में तब्दील हो गई है आधोनी। तो आप ध्यान में रखिएगा कि बाहर किसी भी कीमत में मत निकलिए, शॉपिंग के लिए भी मत निकलिए। अल्लाह ताला से इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपकी इबादत की बहुत बहुत ज़रूरत है, आपकी तौबा की बहुत बहुत ज़रूरत है। अल्लाह से तौबा कीजिएगा और इस वबा को ख़त्म करने की दुआ कीजिएगा। और लेटेस्ट खबर और भी जानकारी होने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे और भी लोगों के लिए आप जान बचाना चाह रहे हैं तो मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल के नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।